बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, पूरा पंजाबी माहौल क्रिएट कर दिया आपने। अरे है ही पंजाबी तो क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। कमाल हो गया, देख रही है ना मिस्टर मेहरा और उनके गेस्ट किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, पूर्वी ने सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये तसल्ली की बात तो ये है कि जो भी उसने किया उसे सब एंजॉय कर रहे हैं। यस, थैंक गॉड फॉर दैट। माँ फ्लैट हो गए, देखो ना कितने खुश है सब। हाँ मतलब पूरी ने सबको बहुत अच्छे से इंप्रेस कर दी। भाई मेरी तो जान में जान आई, मैं तो पहले ऐसे दिखा रहा था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन अंदर से मेरा बैंड बजा हुआ था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं हुई। पूर्वी ने हमारी लाज रख ली, देखो ना लोग कितने खुश हैं। इसने तो कहा ना फिंगर्स क्रॉस। सबको खाना अच्छा क्यों लग रहा है? सब इतना खुश होकर खाना क्यों खा रहे हैं मोहन? बोलना, मेरी आंखें जो देख रही हैं गलत देख रही हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो गॉन्ग गॉन्ग हो जाना चाहिए था। तो क्यों नहीं हुआ? नमक की जगह शक्कर डालने को पसंद क्यों आ रहा है? मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा खुद। मैं भी करती हूँ। तुम दोनों ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या खाना सच में इतना टेस्टी? हाँ, जेन्युइन फीडबैक दे रही हुई। तो शेली, ये हो क्या रहा है? जैसे देखो सब उसकी तारीफों पे पुल बांध रहे हैं। आई मीन ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह किसी ने इन सब के गले में तारीफ का टेप रिकॉर्डर बांध दिया है। हद हो गई ये तो। ऐसा भी क्या है इसमें? वाह, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। आरवी, मिस्टर हरमन, आज मुझे आप लोगों से माफी मांगनी है। मेरा ये आप क्या कह रहे हैं, माफी हमसे? मतलब किस लिए? वो क्या है ना, एक्चुअली यहां से डिनर के बाद हम लोग ढोलकियास के यहाँ जाने वाले थे कॉफी पर। मुझे एक्चुअली चेक करनी थी कि किसकी हॉस्पिटैलिटी बेस्ट है। वो क्या है ना, शेफ तो बहुत सारे होते हैं और वो खाना भी अच्छा ही बनाते हैं। फर्क होता है होटल की हॉस्पिटैलिटी में। एग्जैक्टली, आपकी आवभगत कैसी है, आपकी मेजबानी कैसी है, हमें बस यही जानना था। इसीलिए हम अचानक से इतने सारे लोगों को घर पे ले आए, पर ये प्लान मेरा नहीं मिस्टर मेहरा का था, और इसीलिए मुझे आप लोगों से माफी मांगनी थी। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं यहाँ पर बिजनेस के जॉइंट वेंचर के लिए आया हूँ और पैसा लगाने के लिए NRI पार्टनर भी ला रहा हूँ। तो जब पार्टनर मैं ला रहा हूँ तो मैं ये देखना चाहूँगा कि मेरे इंडियन पार्टनर कैसे होंगे। आई मीन ऐसी सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करते हैं। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि आई गेस आपने सब कुछ देख ही लिया है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी
मेहमान नवाजी से, आपकी मेजबानी से, खाने की वैरायटी भले थोड़ी कम थी मगर जो अपनापन है ना यहाँ पर वो बहुत है। और ये गुण मैंने देखा पूर्वी में। थैंक यू पूर्वी हमें इतना अपनापन फील करवाने के लिए। एनआरवी, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि पूर्वी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। क्योंकि जो हार के भी मुसीबतों से नहीं हारता ना वही सच्चा बिजनेस पार्टनर बन सकता है और पूर्वी में वो सारे गुण हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को अच्छा लगा और खाना पसंद आया। देखिए बिल्कुल घमंड नहीं है इसे, सच अ मॉडेस्ट गर्ल। कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका, रियली हमारी पूर्वी में बिल्कुल घमंड नहीं है। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप और आपके गेस्ट यहाँ पर आए और आप लोगों को अच्छा लगा, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मेहरा साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि बिजनेस हो या ना हो लेकिन रिश्ते जरूर बने रहने चाहिए ताकि जब भी बाद में मिले ना तो हाथ मिलाने से पहले गले लगना जरूरी है। वैसा रिश्ता तो ऑलरेडी बन चुका है, अब खाते ही रहेंगे या इन्हें गुड न्यूज भी देंगे। ओ यस यस, मेरी तरफ से ये डील इज डन। ये डील आप लोगों को मिल रही है एंड इट्स कंफर्म, हम और आप रहेंगे अगले बिजनेस पार्टनर्स एंड दिस जॉइंट वेंचर इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू मिस्टर मेहरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलना है तो पूर्वी को बोलो। इसका खाना खा के मुझे मेरे गांव की याद आ गई, मेरे पटियाला की याद आ गई और इस डील का ज्यादा क्रेडिट मैं पूर्वी को दूंगा। और मैं तो ये कहूंगी कि खाना तो हम रेस्टोरेंट से भी मंगा सकते थे पर जैसे कि पूर्वी ने कहा खाना मन से हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसका पूरा क्रेडिट मैं पूर्वी को दूंगी। एनआरवी, मैं खाना जरा जी भर के खा लूं उसके बाद तुम मेरे साथ बाहर चलना, तुम्हारे लिए गाड़ी में कुछ रखा है। जी शो। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो आपके शेफ पंजाबी कपड़ों में थे इनको देख के मुझे सच में पंजाब याद आ गया। जी शुक्रिया, लेकिन ये पूर्वी जी का ही आइडिया था, इन्होंने ही कहा था ये गेटअप करने के लिए। और क्या, मुझसे पंजाबी म्यूजिक भी बजवाया, मतलब क्या ढोल शोल किया मैंने। अच्छा मैं देखा ना, ये डील में ना मेरा शेयर भी है, मैं बता रहा हूँ सबको।